हेलो हेलो नीरज सर कौन कौन बोल रहा है नीरज सर मैं शंभू आपको पता नहीं याद है नहीं याद है मैं आपके आई एम ए ब्लॉगर आई एम ए फूड ब्लॉगर सो आई केम टू योर रेस्टोरेंट लाइक मैं अभी एक हफ्ता पहले आया था तो मैंने वहाँ पे ना फूड ब्लॉगिंग भी करी थी वीडियो भी बनाया था यू yeah, रिमेंबर नहीं यार बहुत आते हैं अच्छा अच्छा है अच्छा नहीं, नहीं मैं वही वही ओके सर सर थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहिए थी वीडियो बहुत प्यारा निकला है मतलब बहुत कलर करेक्शन तो सारा कर लिया हमने तो मैं वॉइस ओवर दे रहा था हम ऐसे दिखाते हैं ना पहले डिशेस दिखाते हैं फिर आपके रेस्टोरेंट का वो दिखाते हैं मेन एंट्रेंस दिखाते हैं फिर उसके बाद यू नो फिर बैठते हैं फिर डिशेज आती हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मैं डिशेज़ के नाम भूल गया तो मैं वॉइस ओवर दे दूंगा वीडियो पूरा हो गया है मेरा तो उसको डाल भी देखिए सर आई हैव आई हैव मिलियन फॉलोअर्स ऑन बिल्कुल बिल्कुल यस सर यस सर सर एक मेरे को बताएंगे मैंने ना वो खाया था कुछ ये एक पीस होता है उस पर मलाई से कुछ पड़ी हुई थी एग्जैक्टली uh, exactly मेरे को याद नहीं था सबसे पहले वो मंगवाया था उसका रिव्यू किया था मैंने वहाँ बैठ के फिर हमारे, हाँ हमारे यहाँ का तो सर मलाई चाप काफी मलाई चाप मतलब मलाई चाप मलाई चाप याद आ गया याद आ गया सर मलाई चाप एक सेकंड सर मेरा एडिटर एडिटर पुलित मलाई चाप मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो वीडियो के ऊपर लगाइए ठीक है वॉइस ओवर चलेगा सर एक सेकंड होल्ड करिएगा तीन डिशेस का मैंने किया है सिर्फ एक सेकंड हां हां जी रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर वैसे तो बहुत मलाई चाप खाई है मैंने दिल्ली में लेकिन हमें पता चला कि एक स्पेशल मलाई चाप खाई जाती है चलिए मलाई चाप खाते हैं ये आ गई मलाई चाप और ये मैंने पहला बाइट लिया लेट्स सी आथू थू मत डाल तू एक काम कर दे ऐसे लिख दे उस पे कि मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो लिख दे एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो बहुत बहुत बिलो ठीक है इसको रिवर्व में डालियो एको में डालियो चलिए अब चलते हैं दूसरी डिश की तरफ इस रेस्टोरेंट में मैंने बहुत सुना था मेरे फ्रेंड्स भी आए थे लेकिन आज मैं पहली बार आया हूँ और ये मैंने मंगाया सर मैंने ना मैंने रोटी चपाती तो मंगाई चपाती के तो साथ कुछ खाया था एग्जैक्टली exactly वो कह भी रहे थे कि आपके यहाँ की फेवरेट है आ, क्या था दाल 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 मखनी दाल मखनी दाल मखनी पुनीत वॉइस ओवर ले दाल मखनी का फोटोजा हाँ मलाई चाप खाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हुआ लेकिन मैं हार नहीं माना मैंने मंगाई अब दाल मखनी जी दाल मखनी लेके देखते हैं पहला बाइट दाल मखनी के बाद दोस्तों मुझे खाने के बाद अंदाजा हुआ कि हर कस्टमर के पास इनको एक बाल्टी रखनी चाहिए क्योंकि उल्टी करने के लिए अगर आप बाथरूम तक ना जा पाए तो वही पे कर दीजिए हाँ डाल दिया तू तूने ये वॉइस ओवर वॉइसा में डालियो सर आई एम सो सॉरी सॉ लास्ट मैंने चिकन का कुछ मंगवाया था उन्होंने कहा भी था कि हाफ प्लेट आप ले लो अभी वीडियो के लिए चिकन का था टिक्का होगा टिक्का 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 याद आ गया पुनीत टिक्का की देखा टिक्का की अब जब दो डिशेज ने मुझे हिला दिया हार में फिर भी नहीं मंगा यही पहचान एक अच्छे फूड ब्लॉगर की मैंने मंगाया चिकन टिक्का हालांकि हाफ प्लेट था लेकिन टेस्ट तो कर रहा था चिकन टिक्का ट्राई करते हैं ये मेरा हाथ चिकन टिक्का की तरफ गया और मेल्ट करने के लिए मुंह में रखने के लिए मैंने अपने चिकन टिक्का को मुंह में डाला